आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का ज्योमेट्री, जिसमें कि सबसे फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री में हम लोग सबसे पहले देखें ज्योमेट्री का डिफिनेशन, उसके बाद पॉइंट, फिर लाइन, लाइन सेगमेंट, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, मिड पॉइंट, प्लेन, स्पेस, एसक्यू लाइंस, कंकरेंट लाइंस, कोलिनियर पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक्जियोम्स, स्टेटमेंट्स, थ्योरम्स, ये सब का डिफिनेशन, कोरोलरी, यूक्लिड्स फाइव पोस्टुलेट्स, इंसिडेंस एक्जियोम्स ऑन लाइन, यूक्लिड्स एक्जियोम्स। तो ये रहा मेरा फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक, जो जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ज्योमेट्री का डिफिनेशन, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इज द सब्जेक्ट इन मैथमेटिक्स दैट फोकसेज ऑन द स्टडी ऑफ शेप्स, साइज, रिलेटिव कॉन्फिग्रेशन एंड स्पेशल प्रॉपर्टीज। ज्योमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट, इसमें कि हम लोग शेप, साइज और उससे रिलेटेड कॉन्फिग्रेशन और उसका एक स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में, स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री जो है वो ग्रीक वर्ड ज्योमेट्रॉन से आए हुए हैं। ज्योमेट्रॉन में दो पार्ट से, ज्योमेट्रॉन को हम दो वर्ड से लिखते हैं, जियो प्लस मेट्रॉन। जियो मीन्स होता है अर्थ और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, यानी अर्थ पर हम इसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। फादर ऑफ ज्योमेट्री, यानी फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है, यूक्लिड। यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉइंट के बारे में। पॉइंट, ए पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस और फ्लैट सरफेस। स्पेस या फिर एक फ्लैट सरफेस पर पॉइंट का, पॉइंट जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है, ठीक है। आगे, ए पॉइंट इज द ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इन विच हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। जैसे कि ये हो गया मेरा एक प्लेन हो गया, ठीक है। इस पर क्या, यहाँ पर एक ठो एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है ये पॉइंट। इस पॉइंट का ना तो कोई लेंथ है और ना ही हाइट और ना इसमें कोई ब्रेथ है, यानी इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। इट इज़ जीरो डायमेंशनल। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई दिस पॉइंट विथ ए नंबर और लेटर, यानी इस पॉइंट को हम लोग किसी नंबर या फिर लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी, पॉइंट एम, पॉइंट वन, पॉइंट टू, इस तरह से इट इज। ऑल पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन कॉल्ड कोलिनियर। यदि ये सभी पॉइंट अगर सेम लाइन पर हो जाएगा तब हम उस सभी पॉइंट को क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे। कुछ इस तरह से, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये चार पॉइंट हो गया, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। ये चारों पॉइंट एक ही लाइन पर है, तो इस चारों पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। इस चारों पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। आगे, ऑल पॉइंट्स आर नॉट ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। यदि ये सभी पॉइंट सेम लाइन पर नहीं होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं लाइंस के बारे में। लाइन, ए लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कंटिन्यूस फॉरएवर इन बोथ डायरेक्शंस, ठीक है। ए लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कंटिन्यूस फॉरएवर इन बोथ डायरेक्शंस, यानी कि पॉइंट जो है हुए, सॉरी लाइन जो हुए, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट का कलेक्शन है। वो किस तरह से, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, फिर हम एक पॉइंट यहाँ पर कलेक्ट किए, फिर एक पॉइंट, इस तरह से, और ये दोनों साइड बढ़ते रहेगा, इस साइड भी हम बढ़ा सकते हैं। इस तरह से क्या बन रहा है, एक लाइन बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे एक लाइन बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, इस पॉइंट को ऐसे डॉट डॉट डॉट, इस तरह से पॉइंट कलेक्ट करते गए, दोनों साइड बढ़ते गया, और ये एरो का साइन मतलब ये पॉइंट को जो हम कलेक्ट किए उसे जो लाइन बनाई है, दोनों साइड बढ़ रहा है। ए लाइन इज वन डायमेंशनल। इस लाइन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लेंथ होता है, न विड्थ और न ही हाइट होता है। दैट इज ए लाइन हैज लेंथ बट नो विड्थ और नो ही हाइट। इट हैज नो एंड पॉइंट्स। इसमें कहीं भी एंड पॉइंट नहीं होगा, दोनों साइड एरो का साइन लगा हुआ रहेगा, तो समझ जाएंगे क्या है, लाइन है। ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, ए बी लिख करके ऊपर में इस तरह से एरो का साइन दे देंगे, जिसमें दोनों साइड एरो का साइन रहेगा, इस तरह से, ठीक। नेक्स्ट, पेयर्स ऑफ लाइंस इन ए प्लेन। एक प्लेन में लाइंस के पेयर को देखेंगे, तो उस सभी पेयर को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। तो सबसे पहले हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का डिफिनेशन, फर्स्ट,
टू लाइन्स इन ए प्लेन विच कट ईच अदर एट पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी कि दो ऐसा लाइन जो कि किसी प्लेन पर एक दूसरे को कट करता हो, तब उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। मान लेते हैं एक लाइन मेरे पास ये हो गया ए बी, ठीक है, और एक लाइन इसी प्लेन पर कुछ इस तरह से हम ले लिए पी क्यू। ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को कट कर दिया, इस दोनों लाइन को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन टू ईच अदर। या फिर कुछ इस तरह से हो सकता है, बिल्कुल ऐसे और ऐसे। एक लाइन हम बोल दिए इसको एल, इसको बोल दिए एम। ये लाइन एल और एम जो है ये एक दूसरे को कट कर रहा है इस पॉइंट पर, तो इस दोनों लाइन को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन टू ईच अदर। आगे देखते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स दैट मीट एट ए पॉइंट। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, एक पॉइंट पर मीट करता है, जो कि पॉइंट ये है, और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। द पॉइंट वेयर द लाइन मीट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, उस जहाँ पर वो दोनों लाइन, यानी यहाँ पर ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट दे डिफाइन एंगल्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गया, तब इसी पॉइंट पर कुछ एंगल बन रहा है। ठीक है, जैसे ये एंगल हो गया, ये एंगल और ये एंगल, फिर ये एंगल। ये सभी एंगल के बारे में हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो गया लाइन ए बी इंटरसेक्ट लाइन पी क्यू एट पॉइंट सी, और इसी पॉइंट सी को हम क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट सी को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट या फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इस वीडियो में हम लोग इतना डिस्कस किए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट एंड मिड पॉइंट को देखते हैं।